ये सबी 2018 का पेपर है, इसका मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. गेट टू माय चैट. प्राइमी ग्रेविडा प्रेजेंट्स एट 38 वीक्स विद सिवियर हेडेक एंड अ ब्लड प्रेशर ऑफ 170/110. फंडल हाइट इज 36 वीक्स विद लॉन्गिट्यूडनल लाई. सेफेलिक प्रेजेंटेशन एंड फीटल हार्ट रेट 150 है. यूरिन के ऊपर प्रोटीनूरिया. राइट डाउन मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड बी आउटलाइन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट. हाँ जी, पहले तो ये बताएं इसको मसला क्या है. Eclampsia. Pre-eclampsia. फिट्स हुए हैं इसको, फिट्स का उन्होंने कुछ नहीं बताया. ठीक है, अभी सिर्फ उसका ब्लड प्रेशर एक तो शदीद बढ़ा हुआ है और उसको प्रोटीनूरिया है. तो राइट नाउ इट्स प्री-एक्लैम्प्सिया. ओके, जब उसको प्लस सीजर्स होगा तो फिर हम उसको एक्लैम्प्सिया कहेंगे. ओके, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस प्री-एक्लैम्प्सिया एंड देन बी आउटलाइन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो राइट ऑफ द बैट उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है, आपने उसको क्या करना है, उसको करना है कम. ठीक है, एक तो हमारे पास प्री-एक्लैम्प्सिया की डेफिनेशन बहुत लंबी सारी है, बट उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि दो ओकेजन्स पे उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा आए, मोर देन 4 आवर्स अपार्ट वो लिए हों. ठीक है, तो यू गोना एक तो आपने रिपीट करनी है उसका बीपी आफ्टर 4 आवर्स, लेकिन ऑलरेडी आपका 170/110 आया, तो एक तो आपने उसको ओरल लिबिटोलॉल देनी है ताकि उसका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होना. ठीक है, आपने उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, आपने उसका खैर एट दिस पॉइंट आपने जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया तो ऑब्वियसली वो 4 आवर्स बाद ठीक ही आएगा. प्रोटीनूरिया आपको मिल चुका है, अब आपने क्वांटिफिकेशन करनी है, मतलब डिपस्टिक के ऊपर आपको प्रोटीनूरिया मिल गया, तो आपने 24 आवर यूरिनालिसिस करना है इसका और आपने देखनी है एग्जैक्टली कितना है प्रोटीन. ऑलराइट, अब उसने उसको एक तो आपने लिबिटोलॉल दे दी उसका बीपी कंट्रोल करने के लिए, उसकी यूरिन का प्रोटीन क्वांटिफाई कर लिया, और अब आपने उसका बीपी जो है वो चेक करते रहना है 4 times a day. ठीक है, एटलीस्ट 4 times a day उसका बीपी चेक होता रहेगा जस्ट टू मेक श्योर कि वो कंट्रोल है. उसके अलावा आपने उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करानी है, उसकी CBC कराए, RFTs, LFTs, इलेक्ट्रोलाइट्स, बिलिरुबिन वगैरह सब चेक करें जस्ट टू सी इफ देयर इज एनी अदर इश्यूज गोइंग ऑन. फिर आपने फीटस का स्टेटस चेक करना है. यू कैन टेल दैट हर फंडल हाइट इज 36 weeks. आई वुडंट personally, I don't know if this is fetal growth restriction or not, because हमारे जो when it comes to 38 weeks या उससे ज़्यादा, तो जो fetus की size होती है ना वो बहुत variable होती है, वो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो इतनी बाद में इस तरह का size, it could be that the fetus has an issue, it could be like वो normally बस small baby है. ठीक है, तो either way हमने ultrasound करना है, हमने अगर ज़रूरत पड़े तो CTG भी लगानी है, फिर डिलीवरी प्लान बनाना है उसका. ठीक है, वो 38 वीक्स पे आई है, हमने उसका डिलीवरी प्लान बनाना है, हमने डिसाइड करना है इज इट गोइंग टू बी SVD एंड दिस लुक्स लाइक एन SVD, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइस लाइक प्रेजेंटेशन, इट लुक्स फाइन. SVD हो सकता है, मे बी हम लेबर इंड्यूस करना हमें पड़ जाए, वो हो सकता है. ठीक है, तो डिलीवरी प्लान में यू गोना थिंक ऑफ SVD एंड इफ रिक्वायर्ड इंडक्शन ऑफ लेबर. अगर उसको सीजर्स हो जाए तो आपने फॉरन डिलीवर करना है. अभी तक उसको प्रोटीनूरिया और बीपी है, तो आपने उसका बीपी कंट्रोल करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है, और फिर उसको डिलीवरी प्लान बना के इलेक्टिव डिलीवरी करनी है. अगर उसका अभी उसको सीजर्स, अभी तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस क्वेश्चन में वैसे नहीं है, बट अगर उसको सीजर्स होते तो आपने फॉरन डिलीवरी की तरफ जाना था. ठीक है ना. ओके, सो दिस वॉज प्री-एक्लैम्प्सिया. What is the main issue with preeclampsia? What is the thing that is causing the problem? Is it the baby or is it the placenta? It is the placenta, specifically the trophoblastic tissue. ठीक है, तो जब placenta deliver हो जाएगी तो मसला भी खत्म हो जाना चाहिए. ओके, और primary gravidas में इसका risk increase होता है. ठीक है. Okay, question number 2.
35-year-old Para-6 comes with bleeding per vagina after home delivery. She gives history of profuse bleeding with clots. Examination pe pulse 120, BP 90/60, cold, clammy extremities. Most likely cause of bleeding, and enumerate important steps in medical management of this lady. Yeah, she has postpartum hemorrhage. Yes, exactly. She's a para-6. वैसे भी सबसे common cause वही है, और because she's a para-6, तो definitely हम उसको एक cause समझेंगे इसमें. हाँ जी, postpartum bleeding की सबसे postpartum hemorrhage की सबसे ज़्यादा common cause क्या है? Especially with someone who has had so many babies before. Uterus को क्या हो जाता है? Atony. ठीक है, uterus becomes lax. तो uterine atony is the most likely cause of this bleeding, and you're going to write she has postpartum hemorrhage due to uterine atony, and enumerate important steps in the medical management. Shock ke sath present kar rahi hai wo. Theek hai, number one, you're going to call for help because abhi aap house officer hai and aap ke knowledge bahut restricted hai. So call for help, call your senior, aur saath saath aapne uska A, B, C, D, E karna hai wo sara. Theek hai, to page number 263 ke upar, there is a flow chart, you can say. तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको शौक है तो पहले आपने वो सारा ए बी सी डी ई करना है. उसके बाद जो है आप जाएंगे यूट्राइन कंप्रेशन कर सकते हैं, या बेसिकली यू कैन राइट रिससिटेट द पेशेंट एंड देन यू गोना डू, मतलब वही सारा आपने आई वी वाइट बोर्ड आई वी कैन्यूला लगा दिए, आपने उसका उसी वक्त उसको फ्लूइड लगा लिया और एक कैन्यूला से उसका ब्लड निकाल लिया, फुल ब्लड काउंट किया आपने, उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल की, ब्लड की क्रॉस मैचिंग की, अगर ब्लड लगाना जरूरी हुआ तो ब्लड अरेंज करके वो लगाया, वो सब ठीक है. पहले जब फिर पेशेंट जब स्टेबल हो जाए तो फिर साथ साथ ही यू हैव टू डू द मसाज, ठीक है. तो यूट्राइन कंप्रेशन कहते हैं, यूट्राइन मसाज कहते हैं. तो आप पहले आप ऊपर से मसाज करेंगे, ठीक है, और अगर वो काम नहीं कर रहा देन यू गोना डू बाय मैनुअल कंप्रेशन, ठीक है. बाय मैनुअल कंप्रेशन की आई विश आई हैड अ पिक्चर बट यू गाइस कैन गूगल इट, ठीक है. बाय मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो देन यू गोना try to go towards an infusion of oxytocin, ठीक है. अच्छा, I want you guys to notice कि ये सब चीजें मैं point form में बता रही हूँ, but usually they happen at the same time. मतलब उसी वक्त massage की कोशिश हो रही है, उसी वक्त वो कर रहे हैं, अच्छा massage वो by manual compression की कोशिश हुई है, फिर foreign oxytocin लगा दिया है, या फिर you can give rectal misoprostol भी दिया जा सकता है. misoprostol sublingual भी आता है, वो भी दिया जाता है, ठीक है. ओके, अगर ये ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही और पेशेंट डीआईसी में जा रहा है, तो आपने जो है उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ, या इट्स टीम वर्क बेसिकली, तो उसको आपने सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना है. उसमें हमारे पास आती हैं यूट्राइन बलून इंसर्शन की जा सकती है, आइलियक लाइगेशन हो सकती है, यूट्राइन आर्टरी एम्बलाइजेशन हो सकती है, एंड एट द एंड इवेंचुअली शी मे नीड अ हिस्टेरेक्टमी, ठीक है. अब ये मैंने बता दिए जो पोस्टपार्टम हेमरेज की मैनेजमेंट है जो इन जनरल होती है. इन रिगार्ड्स टू दिस लेडी, होपफुली मैक्सिमम लेडीज में सिर्फ यूट्राइन मसाज करके जो है यू गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है. तो रिससिटेट करके आप मतलब कितने मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है, तो एटलीस्ट आप 4 पॉइंट्स लिख दें. और अगर आपका दिल चाह रहा है ऐसे लिखने को देन यू कैन राइट ऑलमोस्ट द होल फ्लो चार्ट, ठीक है ना. तो आई एम जस्ट गोना गो ओवर द पॉइंट्स अगेन. वो बंदी आई, आपने उसको रिससिटेट किया, कॉल द सीनियर फॉर हेल्प, आपने साथ में यूट्राइन मतलब वही आई वी एक्सेस दिया, उसके सारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस भेज दिए, उसका ब्लड अरेंज किया, ठीक है. फिर आप उसी वक्त यूट्राइन कंप्रेशंस दे रहे हैं, वो नहीं काम किया तो बाय मैनुअल कंप्रेशन दे रहे हैं, साथ में आपने ऑक्सीटोसिन किया ड्रिप लगा दिए, या फिर उसको आपने रेक्टल या सबलिंगुअल मिजोप्रोस्टोल दे दिया है, ठीक है. अगर ये यूट्रोटोनिक एजेंट्स भी काम नहीं कर रहे और वो डीआईसी की तरफ जा रही है फॉर एनी रीजन, तो आपने फिर उसको कॉल द सीनियर और उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना है. सर्जिकल इंटरवेंशन में वी विल हैव यूट्राइन बलून इंसर्शन, या फिर आप आइलियक लाइगेशन कर सकते हैं, या आप यूट्राइन आर्टरी की एम्बलाइजेशन कर सकते हैं, द लास्ट रिजॉर्ट इज हिस्टेरेक्टमी, ठीक है. दिस इज द होल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर समवन हु कम्स विद पोस्टपार्टम हेमरेज. Okay, let's move to the next question. Question number 3.
A gravid of 4-parathy presents at 28 weeks of gestation with HB7 following red cell indices, MCV66, MCH23, MCHC29. Peripheral smear shows microcytic hypochromic anemia. Serum ferritin uska 8 hai. HB electrophoresis is normal. Write down your diagnosis and B, enlist steps of management plan. Okay. Yes, she does have anemia. That's a very good diagnosis, but thoda sa aur specific. Yeah. ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. तो एक तो उन्होंने एच बी बता दिया 7 है, तो उससे पता चल गया एनीमिया है. फिर रेड सेल इंडिसेस जब बताए तो एमसीवी 66 था, ठीक है, एमसीवी लो है उसका एंड ऑल ऑफ दीज इंडिसेस आर लो, और उसका सीरम फेरिटिन भी लो है, और उन्होंने बता दिया कि पेरिफेरल पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है और एच बी इलेक्ट्रोसिफेरेसिस नॉर्मल है, तो दे रूल्ड आउट थैलेसीमिया माइनर एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो उसका ये नॉर्मल है, तो शी हैज बेसिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. अगर एच बी उसका 7 होता और उसका एमसीवी मतलब मैक्रोसिटिक होता तो फिर क्या कॉज होती? अगर एमसीवी ज्यादा होता फिर क्या कहते हैं आप? ठीक है, फिर आप कहते हैं शायद फॉलिक एसिड या B12 डिफिशियंसी है, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट होता है, अगर फॉलिक एसिड कम है तो फॉलिक एसिड दें, अगर B12 कम है तो B12 दें. ठीक है, लेकिन अब इसमें है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो अब बी इन दिस स्टेप्स ऑफ योर मैनेजमेंट प्लान. अच्छा, नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज वो किस वीक्स ऑफ जेस्टेशन के ऊपर आपके पास आई है और उसका एच बी कितना है. ठीक है, तो वी हैव सिवियरिटीज ऑफ आवर एग्जाम. पहले ये तो बताएं कि जो एनीमिया जो प्रेगनेंसी में होता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, उसके कौन सी कट ऑफ वैल्यू जो हमने याद रखनी है, लेस देन कितना हो तो हम कहते हैं अच्छा ये एनीमिया है, क्योंकि इसकी वैल्यूज नॉर्मल से डिफरेंट है. फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का सेम है मेरे ख्याल से, और सेकेंड का कम है. अच्छा, तो nobody has answered. अच्छा, लेस देन 11 जो है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उसको एनीमिया कहेंगे, एंड लेस देन 10 in the second trimester usko hum anemia kehte hain. I hope I haven't mixed up the numbers. Main group pe confirm kar dungi. Theek hai, anyhow, hamare paas ye values kyun kam hoti hai? Pregnancy ke andar hamare paas hemodilution hoti hai. Theek hai, to hamara jo plasma volume hai wo approximately wo badh jata hai. Theek hai, bahut zyada, aur hamare RBCs bhi बढ़ जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो है प्लाज्मा है इट्स हायर देन द आरबीसीज. ठीक है, आरबीसी फॉर एग्जांपल एक एरो बढ़ा है तो प्लाज्मा 2 एरो बढ़ गए, व्हिच मींस के जब एट द एंड जब आप ये रेड सेल्स और सब ये निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज जो हैं ये लेस आएंगी. ठीक है, खैर, इन द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट. अच्छा, अब आपने देखना है इफ शी वॉज लेस देन 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वी वुड हैव गिवन हर ओरल आयरन सप्लीमेंट्स. ठीक है, बट नाउ 28 टू अप्रोक्सीमेटली 36 वीक्स पे आप उसको IM देते हैं. ठीक है, लेस देन 28 वीक्स होती तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हम उसको ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, फेरस सल्फेट और वो सब. लेकिन अब शी इज 28 वीक्स पे है, प्रेजेंट्स एट 28 वीक्स, और 28 टू 36 वीक्स तक हम क्या देते हैं, हम IM देते हैं या फिर हम IV इन्फ्यूजन देते हैं. ठीक है, साथ साथ आपने उसकी जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं उसको भी मतलब फॉलिक एसिड और वो सब आपने उसको देते रहना है. फिर आपने उसका हीमोग्लोबिन चेक करते रहना है और उसका रेटिक काउंट अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डेज के अंदर उसका रेटिक काउंट और हीमोग्लोबिन वगैरह इट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, उसके अलावा आप स्टूल को एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, स्टूल पे ऑकल्ट ब्लड नहीं, बिकॉज़ वी वांट टू सी अगर इज शी लूजिंग आयरन फ्रॉम एनीवेयर. या व्हेन ओके यस समबडी हैज एडेड टू दिस, अगर मोर देन 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे वो आएगी तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं, बिकॉज़ देयर इज नॉट इनफ टाइम फॉर हर ब्लड सेल्स टू डेवलप. ठीक है, तो हम उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं टू ब्रिंग हर HB अप टू द मार्क. यस, तो लेस देन 28 वीक्स रिमेंबर ओरल आयरन, 28 टू 36 वीक्स IV या IM, फिर 36 वीक्स से ज्यादा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है,
देन यू गोना सी कि अच्छा लेट्स गेट बैक टू द मैनेजमेंट प्लान. अब आपने उसका चेक करना है कि इज शी लूजिंग ब्लड फ्रॉम एनीवेयर. तो यू कैन चेक स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड और जस्ट ब्लड इन जनरल, एंड देन यू कैन चेक फॉर एनी इन्फेक्शंस. अगर कोई इन्फेक्शंस हैं तो आप उसको एंटीबायोटिक्स दे के ट्रीट करेंगे. फिर अगर डाइट की वजह से कम है तो उसको आपने डाइटरी एडवाइस देनी है, डाइट प्लान बना के देना है, ठीक है. और साथ साथ उसके जो दूसरी बाकी सप्लीमेंट्स है, फॉलिक एसिड और यू नो कैल्शियम और वो सब जो दूसरे सप्लीमेंट्स है, उसको अप टू द मार्क रखना है, ठीक है. तो दिस इज योर बेसिक इन मैनेजमेंट प्लान. आपने उसका HB नॉर्मल लाना है, ओके. और अच्छा, माइल्ड मॉडरेट सिवियर का ये है कि इसको जो है ओके लेट मी जस्ट रिमेम्बर, 11 से कम हमारे पास माइल्ड था, ठीक है. 7 से कम हमारे पास मॉडरेट है, और 7 to 11 is mild, 4 to 7 is moderate, and then less than 4 is severe, ठीक है. तो ये mild, moderate, severe के हिसाब से this is approximately in the moderate range, ठीक है. Okay, ये question हमने कर लिया है. Let's move to the next one. 4. Gravidate to para 1 having O negative blood group presents at 38 weeks of gestation with the report of indirect Coombs test positive and antibody levels of 10 international units per ml. Her husband's blood group is B positive. A, what is the diagnosis? B, explain the physiology, and C, what can be done to prevent this? Okay. It's her second pregnancy, or yeah. Somebody has said erythroblastosis fetalis. You can, if they had said ke baby ke andar hydrops fetalis develop ho raha hai, matlab ultrasound pe aapko jo findings mili hai. So in this case, the diagnosis, jo comprehensive, jo behtar safe diagnosis hai, wo likhne ke liye, you can just write RH incompatibility. Theek hai. उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, उसके हस्बैंड का बी पॉजिटिव है, और उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी, मतलब वो एक दफा सेंसिटाइज हो चुकी है, ठीक है. और उसको उसका एंटीबॉडी लेवल जो है 10 इंटरनेशनल यूनिट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग शी हैज मॉडरेट रिस्क के उसकी जो बेबी है उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. What is the physiology? Physiology में अब 3 मार्क्स है, तो कम से कम आपने 3 पॉइंट्स तो कहीं से ढूंढ के लाने हैं ना, ठीक है. पहला पॉइंट आप ये लिखें कि आप इनफैक्ट मेरी तरफ से ना छोटा सा क्यूट सा जेनेटिक डायग्राम बना दें, जस्ट टू यू नो शो ऑफ योर स्किल्स, ठीक है. तो आप यूं लिखें, यूं ये ओ नेगेटिव मदर थी, ये बी पॉजिटिव फादर थे, और इनका बेबी जो है वो मतलब उसका ब्लड ग्रुप God knows what it's gonna be, but positive. We can assume it's gonna be B positive as well. If I just write ये positive होगा, ठीक है. अब ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है. फिर सेकंड पॉइंट है कि देयर वाज अ प्रीवियस सेंसिटाइजिंग इवेंट, ठीक है. सेंसिटाइजिंग इवेंट क्या था? उसकी पहली प्रेगनेंसी क्या हुआ कि जो बेबी के एंटीजेंस थे, आई एम सॉरी कि ये कलर बहुत बुरा है, मैं चेंज करती हूँ इसको. हाँ, जो मदर के एंटीजेंस थे, हाँ दिस इज सो मच बेटर, सॉरी बेबी के एंटीजेंस थे वो एक्सपोज हुए मदर के साथ, और मदर के ब्लड ने एंटीबॉडीज बना दी अगेंस्ट दोस एंटीजेंस, तो शी बिकेम सेंसिटाइज, ठीक है. अब इस वाले रिस्पॉन्स में क्या बनी थी? IgM बनी थी. अब IgM तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, इसलिए कोई खास मसला नहीं हुआ. 3. अब जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स, जब सेकेंड रिस्पॉन्स आया तो हमारे पास बनी IgG, एंड IgG डज क्रॉस द प्लेसेंटा, और वो गई, और एक तो ये एंटीबॉडीज का इंटरनेशनल यूनिट्स में आप लिख सकते हैं कि 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml बन गए एक तो, और उसने कॉज किया बेबी को उसके रेड सेल्स का हिमोलिसिस करवाया, और उसकी वजह से फीटल हाइड्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है. तो दिस आर द 3 पॉइंट्स ऑफ योर फिजियोलॉजी जो आपने लिखने हैं, ताकि आपको वो 3 मार्क्स जो हैं वो मिल सके, ओके. व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस? हाँ जी, क्या करेंगे हम? रिपीट द फिजियोलॉजी.
Okay, somebody has said page 99. I'm assuming physiology, page 99 pe likhi hui hai. ठीक है. ओके, आई विल रिपीट द फिजियोलॉजी. बाय द वे, फिजियोलॉजी ना पेज 97 के ऊपर लिखी हुई है. इन या इट्स जस्ट बेसिकली इसमें ना पैराग्राफ फॉर्म है, मैं वैसे दोबारा बता देती हूँ. सो इस दिस टाइम आई यूज टेक्स्ट क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा था. ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि मदर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, ठीक है, और बेबी पॉजिटिव है. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट था कि देयर इज अ सेंसिटाइजिंग इवेंट एंड दैट वाज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी. फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या बना था? आईजीएम बना था. तो आईजीएम डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, सो इट डिडंट डू एनीथिंग टू द बेबी एट दैट टाइम. अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई है तो अब बना है आईजीजी बना है अगेंस्ट द बेबीज रेड सेल्स, ठीक है, और वो जाके उसको अटैक करेगा और हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न का चांस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड समबडी हैज पॉइंटेड आउट के 10 इंटरनेशनल यूनिट्स मीन्स के उसको मॉडरेट रिस्क है. तो दिस वॉज द रेफरेंस पेज 99. ठीक है, तो 4 to 15 जब लेवल हो उसके दरमियान तो देर इज मॉडरेट रिस्क ऑफ ह्यूमिनेटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न या फीटस. ठीक है, तो खैर ये तीन पॉइंट्स थे हमारे पास फॉर द फिजियोलॉजी. व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस? समबडी सेड एंटी आरएच एंटीबॉडीज. यस, परफेक्ट. ये आपने एंटी डी देना है. अब वो 28 वीक्स पे आई है तो आप उसको क्या डोज देंगे? दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन. मैंने उसको 28 वीक्स पे आई, मैंने उसको सिर्फ सिंगल डोज देनी है. मैं क्या दूंगी उसको? ओके, ओके, सो द थिंग देयर, या आपने देना है 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स. ओके, मैं बताती हूँ. अगर आपके पास आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आई एम टेलिंग यू, अगर ये लेडी आपके पास ऐसे एडमिट है एंड यू हैव टाइम विद हर, देन यू कैन डू दैट. तो आपके पास ये लेडी आई है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, तो आपने उसका वो क्लेहार टेस्ट जो है वो लिया है अभी और आपने उसका रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो तब तक आप 500 इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे, ठीक है, और क्लेहार टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज. अब हाँ, एंड देन दिस इज व्हाट वुड हैपन इन अ यूटोपियन वर्ल्ड वेयर वी हैड टाइम एंड वी कुड डू इट. अब हमारी सेटिंग में बिकॉज वो लेडी बस आती है और उसको बस फॉरेन ट्रीटमेंट चाहिए, उसने जाना है वापस, तो यू विल गेट 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स. सेम वे 34 वीक्स जेस्टेशन, ठीक है, उस पर भी आपने 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं. तो दीज आर द टू सिनेरियोस आई टोल्ड यू. पहला ये था कि वो लेडी आपके पास आई आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, आपने उसको मिनिमम डोज 500 इंटरनेशनल यूनिट्स पे स्टार्ट करा दिया, आपने उसका वो क्लेहार टेस्ट लिया और टेस्ट के मुताबिक आपने उसको और एंटी डी लगा दी, ठीक है. ऑलरेडी हमें पता है कि 500 जो है वो मिनिमम डोज है, उससे ज्यादा लगनी है अभी. अब कितनी लगनी है वो टेस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है. अब हमारी सेटिंग में वी गिव 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स एट 28 वीक्स एंड एट 34 वीक्स जब भी आए, ठीक है. तो अगर आपके पास एमसीक्यू आया, एंड आई हैव नोटिस्ड दिस इन अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, द आंसर इज 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है. खैर इसका ये एक मार्क है तो इसका वन वर्ड आंसर यही होगा, एंटी डी एंटीबॉडीज. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. Oops, drawings. Okay. Question number 5 पे जा रही हूँ, ठीक है ना. 22-year-old primary gravida at 32 weeks of gestation presents with leaking per vaginum for 2 hours. On examination, fundal height corresponds with gestational age, cephalic presentation है and fetal heart rate जो है 140 है. ठीक है. ए, राइट डाउन योर डायग्नोसिस.
B, write down the steroid prophylaxis, and C, enlist 3 maternal and 3 fetal complications of this problem. Okay, 32 weeks hai, abhi to kafi time hai. Ab leaking per vaginum for 2 hours. What is leaking? Amniotic fluid, huh? She has premature preterm rupture of membranes, jisko hum PPROM kehte hain. ठीक है उसका सब बाकी सब सेट लग रहा है फंडल हाइट भी ठीक है सेफेलिक प्रेजेंटेशन है हार्ट रेट भी मतलब फीटस अभी लग नहीं रहा कि डिस्ट्रेस में तो डायग्नोसिस में यूज करना राइट पी प्रॉम ठीक है और इसको शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा इसका पूरा लिखिएगा राइट नाउ स्टेरॉयड प्रोफिलैक्सिस हाँ जी क्या एक तो मुझे बताएंगे स्टेरॉयड प्रोफिलैक्सिस किस चीज के लिए दे रहे हैं किस खुशी में दे रहे हैं और उसके बाद क्या है मतलब व्हाट इज द ड्रग यूज्ड और उसकी अगर आप एक्स्ट्रा फैंसी होना चाहते हैं तो उसकी डोजिंग भी लिख सकते हैं एक मार्क का ही है लेकिन हाँ आपने फीटल लंग मैच्योरेशन करनी है ठीक है अच्छा जो लेडीज व्हेन दे प्रेजेंट विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट दे आर गोना एंड अप डिलीवरिंग द बेबी तो बिकॉज इसका 32 वीक्स जेस्टेशन अभी टर्म पे नहीं आया तो यू विल मेक श्योर कि फीटल जो लंग्स हैं वो मैच्योर हैं तो उसके लिए आप स्टेरॉयड प्रोफिलैक्सिस देते हैं फॉर द लंग मैच्योरेशन उसके अंदर दो ड्रग्स हैं एक तो आप बीटा मेथासोन दे सकते हैं डेक्सामेथासोन दे सकते हैं ठीक है तो जो इंजेक्शन आई थिंक हमारे सेटिंग में उसका नाम है डेकाड्रॉन हाँ और समवन इज रिटन द डोज 12 मिलीग्राम 12 आवरली अच्छा इसकी डोजेस दे वेरी अलॉट और 8 मिलीग्राम 8 आवरली 3 टोटल या बेसिक चीज इसकी आपने याद रखनी है कि ड्रग का नाम या बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन एंड देन अकॉर्डिंग टू द डोजेस दैट यू नो 12 मिलीग्राम 12 आवरली या 8 मिलीग्राम 8 आवरली ठीक है तो ओके एंड समबडी हैज सेड कि 6 मिलीग्राम 6 आवरली 4 डोजेस देनी है एंड दिस इज सूटेबल फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस ओके Right. For the one mark, I highly recommend that you. अच्छा हाँ जी ये भी बताएं ये कैसे देते हैं. What is the route of administration of this steroid? Anyone? Oral देते हैं, IV देते हैं, IM देते हैं, क्या देते हैं? Okay. IM देते हैं ठीक है somebody has said IV I will confirm with you on the IV thing but the one that I know of हम IM देते हैं ठीक है okay 5C है enlist 3 maternal and 3 fetal complications of this problem okay somebody has added they said ये IM देते हैं और methyl prednisolone is the only IV drug You can remember it like that as well, I guess. But I will still get, I'll check on it and I'll send you like in the group, okay, confirmation. All right. C hai, enlist 3 maternal, 3 fetal complications of this problem. Hanji. Whenever there's PPROM, think infection. Maternal infection, fetal infection. Okay. So, maternal infection mein, you can think of chorioamnionitis, sepsis ka chance increase ho gaya hai, metabolic acidosis ka chance increase ho gaya hai, preterm labor ka chance increase ho gaya hai humare paas. Theek hai. Phir baby ke andar humare paas kya hai? Again, think of fetal infection. Theek hai, there is increased risk of neonatal sepsis. There is a prematurity ka increased risk hai uske alawa fetal lung immaturity ki wajah se birth asphyxia ka increased risk hai ab baby jaldi born hoga to it will be a small baby to small matlab jo kya kehte hain uski jo baki developmental hai uski what's it called sorry I forget the term now it's called small for right now mere dimag mein small baby aa raha hai sirf but you guys know what I mean. ठीक है तो yeah so these are the things that could happen. Okay question number 6 है हमारे पास 20-year-old primary gravida comes in labor at 40 weeks of gestation. She is having uterine contractions since 6 hours. On examination her pulse is 80, blood pressure 120/80. Bundle height is 38, longitudinal lie hai, cephalic presentation hai,
हार्ट रेट सही है, टीवी एग्जामिनेशन शोज हर टू बी 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, वर्टेक्स एट -3, व्हाट इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, एंड व्हाट विल यू डू इफ शी इज नॉट हैविंग एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस. हाँ जी, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर ऑन एवरेज जो है इट्स 8 hours, बट बिकॉज शी इज अ प्राइमी तो दिस नंबर कैन वेरी लाइक अ लॉट. ठीक है, वेट लेट मी जस्ट गेट टू, मैंने इसका पेज नंबर का रेफरेंस लिखा था, पेज 202. ठीक है, पेज 202 के ऊपर, ओके, पेज 202 पे दे लिखे, दे रिटन के जो फर्स्ट लेबर है ना उसकी एवरेज ड्यूरेशन है वो 8 hours होती है, और उसके बाद जो लेबर होता है उसकी एवरेज ड्यूरेशन 5 hours होती है. ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है फर्स्ट लेबर की वो है 18 hours, और जो बाकी के सबसिक्वेंट लेबर्स हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 12 hours. ठीक है, तो इसके नॉर्मल ड्यूरेशन प्राइमरी की वजह से हम 8 लिखेंगे. इफ शी वाज लाइक इफ शी हैड किड्स बिफोर तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं. ठीक है ना, ओके. बी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर. हाँ जी, ओके, प्रोलॉन्ग लेबर को आप याद रखें, पावर, पैसेज, पैसेंजर, ये 3 चीजें. ठीक है, आई एम जस्ट गोना ओपन दैट, वेयर इज द टेक्स्ट थिंग, ओके, पावर, पैसेज, पैसेंजर. ठीक है, पावर मे बी हर यूट्राइन कंट्रैक्शंस आर वीक, देयर इनसफिशिएंट. ठीक है, डिसफंक्शनल यूट्राइन कंट्रैक्शंस. फिर पैसेज में मे बी द मटर्नल पेल्विस इज स्मॉल और इट्स इंजर्ड फॉर एनी रीजन. फिर पैसेंजर में अगेन बेबी हेड बेक. ठीक है, या मैल प्रेजेंटेशन, मतलब हेड जो है वो सही प्रेजेंट नहीं कर रहा, या मैल पोजिशन. ठीक है, इट्स नॉट सेफेलिक, सॉरी, मैल प्रेजेंटेशन इज नॉट सेफेलिक, मैल पोजिशन इज ऑक्सीपुट सही नहीं है. ठीक है, इट शुड बी ऑक्सीपुट एंटीरियर और वो नहीं है, इट्स लाइक मे बी ऑक्सीपुट पोस्टीरियर व्हाटएवर. ठीक है, तो ये सारे मिसाइल हो सकते हैं. व्हाट आर द कॉजेज, कॉजेज है डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्टिविटी, फीटल मैल प्रेजेंटेशन, फीटल हेड साइज टू बिग, मटर्नल पेल्विस टू स्मॉल, एनी एबनॉर्मैलिटी ऑफ द बर्थ कैनाल. ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है. व्हाट विल यू डू इफ शी इज नॉट हैविंग एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, हाँ जी, we'll augment the labor. ठीक है, हाँ, we will want to give, but we need to rule out. वैसे मैं practically बता रही हूँ कि cephalopelvic disproportion और ये सब मसलों को अगर आपने rule out कर लिया हो तो उसके बाद जो है आप oxytocin दे सकते हैं. Oh, and another thing that I forgot to add is अगर आपने उसको epidural anesthesia दिया हुआ है that can also prolong her labor. ठीक है, तो इन जनरल अगर उसकी एडिक्वेट कंट्रैक्शन नहीं है तो हम उसको ऑगमेंट करते हैं. किस केस में नहीं करेंगे, अगर उसको सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है तो उस केस में हम उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे, वरना हम, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, गिव ऑक्सीटोसिन या ऑगमेंट द लेबर. ठीक है, राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, write down what is cardiotocograph and b, enlist and define 4 features of CTG. हाँ जी, अब आपने एक रटी रटाई डेफिनेशन इसमें बतानी है. ठीक है, कार्डियो से फीटल हार्ट याद रखें, टोको से मटर्नल यूट्रस याद रखें, एंड ग्राफ इज ग्राफ. हाँ जी, तो हाय, मैंने पेज नंबर पता नहीं इसका क्यों नहीं लिखा रेफरेंस के लिए. CTG की डेफिनेशन है, इट इज अ कंटिन्यूअस ट्रेसिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट used to assess fetal well-being together with an assessment of uterine activity. Okay, 51 page number. Thank you so much for the help. 51 pe hai ye page pe. Theek hai, aur 51 ke bottom pe likha hua hai. It is a continuous tracing of fetal heart rate used to assess fetal well-being together with an assessment of uterine activity. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इट्स आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग एंड वी ऑलरेडी नो दैट. ठीक है,
अब इसके एनलिस्ट एंड डिफाइन द फोर फीचर्स, पहले आप मुझे इसके फोर फीचर बताएं और फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन मतलब बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली व्हेन डू वी से कि ये हो रहा है. हाँ जी, क्या है फोर फीचर्स? आप लोगों को अच्छे से याद है, मुझे पता है आपको याद है, जल्दी से बताएं. एक तो डेफिनेशन में फीटल हार्ट रेट का आ गया था, ठीक है, तो टॉप पे हमारे पास आएगा बेसलाइन हार्ट रेट, रेट आ गया, और बी पता नहीं किधर गया है, बी हार्ट रेट आ गया है. देन वी हैव बेसलाइन वेरिएबिलिटी, ओके वेरी गुड. देन वी हैव एक्सेलरेशंस एंड देन वी हैव डिसेलरेशन. बेसलाइन हार्ट रेट या फीटल हार्ट रेट लिख सकते हैं, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन. हाँ जी, नॉर्मल हार्ट रेट है 110 टू 150 और इसकी अपर लोअर लिमिट्स हम 100 टू 160 कंसिडर करते हैं, बट दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ठीक है. बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसलाइन हार्ट रेट, ये नॉर्मल है. बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या है हमारे पास? टाइम, इट्स बेसिकली हमारे पास वो फ्लक्चुएशंस जो लेस देन सॉरी 10 to 15 pm की फ्लक्चुएशंस आती हैं, एम की फ्लक्चुएशंस आती हैं, ठीक है, इन अ नॉर्मल सीटीजी. हम नॉर्मल सीटीजी लेते हैं अबाउट 20 टू 30 मिनट्स के लिए, ठीक है, एट वन टाइम. तो उसके अंदर हमने देखनी है कि कितनी हमारे पास कितनी एक्सेलरेशंस हैं, कितनी डिसेलरेशन है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी है कि नहीं, ठीक है. तो हमारे पास 2 and 6 टाइम्स पर मिनट, नोट दैट आई एम सेइंग पर मिनट, 2 and 6 टाइम्स पर मिनट हमारे पास आती हैं बेसलाइन वेरिएबिलिटी, ठीक है. तो यू कैन इमेजिन बहुत सारी हैं 20 टू 30 मिनट वाले में, और इसकी हाइट होनी चाहिए लाइक 10 टू 15 बीट्स पर मिनट वाली. अगर ये लेस देन 10 है, लेस देन 10 इज बैड, ठीक है, लेस देन 10 इज बैड, वी डोंट वांट दैट, ठीक है. फिर एक्सेलरेशंस क्या है हमारे पास? मोर देन 15 बीट्स पर मिनट की हमारे पास एक असेंडिंग ग्राफ आता है या पीक आती है, यू कैन से, ठीक है, व्हिच लास्ट्स फॉर हाउ लॉन्ग, एट लीस्ट 15 सेकंड्स, लास्ट फॉर 15 सेकंड्स. तो हम उसको तब कहते हैं एक्सेलरेशन, एंड वी वांटेड टू बी मोर देन 2 इन अ 20 टू 30 मिनट सीटीजी, ठीक है. फिर हमारे पास आती हैं डीसेलरेशन, एंड अगेन दिस इज 15 बीट्स पर मिनट से ज्यादा, ठीक है, और ये डिप है, डिप है, यू कैन से ग्राफ गोज डाउन, डिसेंडिंग ग्राफ, ठीक है, लास्ट फॉर मोर देन 15 सेकेंड्स, ठीक है. और ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए? हाउ मेनी डू वी वांट? वी वुड प्रेफर नन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, वी डोंट वांट दीस, ठीक है. और फिर इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी टाइप वन होती है, टाइप टू होती है, ये वेरिएबल भी होती है. टाइप वन ड्यूरिंग लेबर, टाइप वन इज नॉर्मल, टू वी डोंट वांट, वेरिएबल नॉट ऑन, ठीक है. अच्छा, लेट्स जस्ट गो ओवर दिस अगेन. सीटीजी इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो आप अगर एक दफा रट्टा लगा दें तो अच्छा रट्टा हो जाता है, बट कभी कभार फिर भी समझ नहीं आ रही होती, ठीक है. बेसलाइन हार्ट रेट हम चाहते हैं 110 टू 150 बीट्स पर मिनट हो, ठीक है. बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्या है कि ये ऊपर नीचे जो है ग्राफ हिलता रहता है, ठीक है, इफ़ यू कैन लुक एट द सीटीजी ऑन पेज 53, ऊपर नीचे ग्राफ हिलता रहता है, और ये 2 and 6 टाइम्स पर मिनट होता है, 10 टू 15 बीट्स पर मिनट के दरमियान इसकी फ्लक्चुएशंस ही होती है, एंड लेस देन 10 हम नहीं चाहते. फिर एक्सेलरेशंस है मोर देन 15 बीट्स पर मिनट की पीक, lasting for more than 15 seconds, we would like to have more than 2 in a 20 to 30 minute CTG. Decelerations are a dip of 15 beats per minute, lasting for more than 15 seconds, and we don't want any in a
20 to 30 मिनट सीटीजी, और इसकी टाइप्स हैं टाइप वन, टाइप टू, और ये वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक सीटीजी. तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो हमारे पास अब सप्ली 2018 का पेपर खत्म हो गया है. व्हाट वी आर गोना डू इज टेक let's take a nice 10 minute break and then we'll do our last paper of the day, which is annual 2019. Theek hai na?